ओके यार, तुम जाओ, मैं आता हूँ। चालाकी से पीछा छुरा लिया। खैर, मैं जाता हूँ। हाँ। फर्स्ट ईयर हो ना? हाँ। नाम क्या है? प्रिया। हाँ? प्रिया। आगे पीछे कुछ नहीं है? प्रिया वारियर। ओ, प्रिया वारियर हो तुम? हाँ। ये बताओ, मंजू वारियर से कोई रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कुछ भी नहीं, लेकिन अकड़ बहुत है। नहीं नहीं, अकड़ जरा भी नहीं है मुझ में। सच कहूँ तो एकदम भोली हूँ मैं। भोली हो तुम? चलो फिर सैल्यूट करो। जरूरी है? हाँ जरूरी है भाई। ओ नो यार, सैल्यूट जब भी करोगे एनर्जेटिक होकर करो। अब ठीक है, अब किसी ने भी तुमसे कुछ पूछा तो बोलना मैं रोशन की फ्रेंड हूँ। किस खेत के मूल्य तू? लांडे सुनना। हाय, कौन है तू? मैं रोशन। चिरकुट, सीनियर कब हुए? अरे नहीं, वो तो बस मस्ती में। अच्छा, थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूँ क्या? यू मे गो बेबी, जाओ। देखो अब मैं मस्ती करूँगा। जान पहचान के लिए इन सब की क्या जरूरत है? बेटे तू मेरे साथ चल। अच्छा, आपका नाम क्या है? फिरोज, पनौटी का फिरोज। अच्छा, इस नाचिस का नाम रोशन है, तो फिर मैं जा सकता हूँ ना? हा? इतनी जल्दी क्या है, डिटेल से इंट्रो हो जाए। अरे लल्ला, तेरे घर कहाँ है? गुरुग्राम। तो तुम वहाँ से यहाँ पढ़ने आए हो? हॉस्टल में रहते हो? हाँ, मैं हॉस्टल में ही हूँ। अब तो और मजा आएगा। अब रैगिंग करोगे क्या? नहीं। आज्ञाकारी बालक है। देखो। हाँ बोलो। फादर आ रहे। See you soon. हाँ चलो। अच्छे से पढ़ना। अच्छी खिंचाई। अरे नहीं, वो तो बस यूं ही हाथ आ पाई। सही वक्त पे प्रिंसी के आने से बच गए, वरना अभी। मैंने तो उन्हें डराया, तुम्हें मार खाते देख कर दया आ गई। तो तुमने देख लिया। तुम्हारा नाम क्या है? रोशन। और तुम्हारा? कांता। कांता, नो वांदा। फर्स्ट ईयर हो ना? हाँ, फर्स्ट ईयर साइंस की। हाँ, मैं भी साइंस का हूँ, तो हम लोग क्लासमेट हुए। ये जो संस्कृति हमारी आत्मा से जुड़ी है और संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ चलता रहता है, जैसे हमारे राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर ने बोला है कि हमें संस्कृति मिलती है हमारे कॉलेज व विद्यालय से, जो जिंदगी का एक तरीका है। इसका भाषण सुन के माइक की भी बोलती बंद हो गई। हमारे स्कूल के भूतपूर्व छात्र बोझ ढोने वाले बैंड के कलाकारों के नाम से एक म्यूजिकल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। कब है कासा है ये मन, बन सवर के निकली है वो दिल नशी मेरी, दिल नशी मेरी। महका है ये मौसम, बहका बहका सा है ये मन, बन सवर के निकली है वो दिल नशी मेरी, दिल नशी मेरी।
है तूने, दिल ये मेरा खो गया है, थाम लो मुझको, थाम लो मुझको। कहना मर गया मैं प्यार में तेरे, प्यार में तेरे। बहका बहका है ये मौसम, बहका बहका सा है ये मन, बन सवर के निकली है वो दिल नशी में, आगे से मेरा नाम लिया तो जबान काट दूंगा। आई बात समझ में? क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे यार, उस लल्लू ने फालतू पोस्ट के लिए मेरा नाम ले लिया। देखो अब उसको गलत नहीं बोल सकते। जरा शक्ल देखो इन सबकी। थू, ओहो, रोमांटिक मूड खराब करने के लिए टांगे हैं यहाँ। क्या रोमांस? और तुझे? यस, आई एम इन लव। लव तुझे और किससे? यार मैंने उसे फ्रेशर्स डे सेलिब्रेशन के दिन देखा था, पर नाम पूछना भूल गया। घर तेरी की। सुंदर है क्या? क्या कहूँ, हमारी एम्मा वाटसन भी उसके पैरों के धूल समान जो है। ये तो गया, तो समझ लो कि साइंस की ही स्टूडेंट होगी। अरे ऐसा क्यों? अधिकतर सुंदर लड़कियाँ साइंस ग्रुप में ही तो है। अच्छा? हाँ। ओ, सेम क्लास, मतलब काम और भी आसान हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? चलो भी, छोटा सा काम है। कहाँ? बताता हूँ, चलो भी। ये नहीं सुधरेगा। यार अजीत, यार क्या है? इसे क्लासरूम में रख देना ना। ठीक है। हाँ। प्रेम के सागर की गहराई में से गिरने वाले अनुभवों का मरधारा है प्रेम का स्वाद। प्रेम का स्वाद? अबे वो प्रेम का स्वाद नहीं है, कौवे की बीट का स्वाद होगा। थू, थू, सत्यानाश हो गया। थू, 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 थू। आखिर तेरा इरादा क्या है? अरे वही बता रहा हूँ, जरा सुनो ना। बारिश होती तो वो सना छतरी लेके आती है, तो दौड़ करके उसकी छतरी में घुस जाऊंगा। तो फिर मैं? तू चल के ही आना स्कूल, अभी और है यार। दिन सना और मैं एक ही छतरी के नीचे रोमांस करेंगे। अरे वो आखिरी रोमांस ना हो। अरे यार देख ना, सना आ रही है, देख ना सना रेनकोट पहन के आ रही है। अरे जा रही है, किस कमीने ने रेनकोट दिया उसे। थैंक्स। इसलिए? फॉर दिस आइडिया मैन। ए कांता, साथ लेके चलो ना। अरे यार मैं आ गया। तू कहाँ रहा है? यार इसमें अभी से जगह नहीं है, तू किसी और के साथ आना ना। लेट्स मूव। ओके। वैसे भी बारिश में भीगना मुझे अच्छा लगता है। कैरी ऑन। रोशन, मैं चर्च होके आती हूँ, तुम लोग क्लास जाओ, ठीक है? ये लो पकड़। हाँ? ओ सॉरी।
ओ सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। सॉरी क्या, पूरी तरह से भीग गई हूँ। नहीं, अभी अच्छी तरह से नहीं भीगी हो। चल पट। कांता? हाँ? आ, ये क्या इतनी जल्दी चर्च से आ गई? यार चर्च तो मैं गई नहीं। फिर? तुम्हें एक सुनहरा मौका देकर गई थी। हैं? सचमुच? हाँ यार। ओह थैंक यू डियर। क्या वो फंसेगी? लगता तो है मुझे। तू सपोर्ट करेगी ना? तुम्हें ही फुल सपोर्ट करूंगी। वैसे हाँ? तुम्हारा कोई? ओह गॉड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह ऐसा क्यों? एक छोटी सी बुलबुल समान आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं विश्वास नहीं करूंगा इस पे। सच हाय कांता। सना अभी आईया? वो आ गई होगी। यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, वो हमारे क्लास में बैठी होगी। मेरी हूर देखो वहाँ खड़ी होके बात कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि साइंस स्टूडेंट है। कहा ना मैंने साइंस स्टूडेंट है। तब तो मजा आएगा। कॉमर्स है? अधिकतर सुंदर लड़कियां साइंस ग्रुप में ही है ना। अब तो कॉमर्स में भी ये पता चल गया ना। यार रोशन देखना। क्या है यार? उस सेकंड बेंच पे जो कॉर्नर में लड़की बैठी है ना, उसे देखा? है सब। प्रिया हाँ। ये दिल उसे दे चुका हूँ। उसके पीछे जो लड़की बैठी है ना अनुपमा, हाँ। बहुत अच्छी है। ओ। हाँ। थोड़ी सी महंगी है वो, सेटिंग करा दूं? उसकी सेटिंग अपने बाप से करा दे। तो हम कहाँ पर थे हाँ? यार तेरी जलपरी उठ के कॉमर्स में चली गई। चुप कर बे। वैसे हमारी क्लास में गर्ल्स बहुत कम है ना। क्लास में तुम्हें गर्ल्स चाहिए तो किसी गर्ल्स स्कूल में जाके पढ़ो ना। जिसके पीछे तू पड़ा है ना वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। अरे तेरे नसीब में वो भी नहीं है ना कंगाल कहीं का। भूखा कंगाल। मिस मिस मिस। मलकाए हुस्न है मेरी। हाय स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा। मेरा घर यही अमलानगर में है। आई एम योर जूलॉजी मिस। और कुछ जानना है? टीचर आपका लाइन क्लियर है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? फ्रांसिस जे मार्वलस। बेटे मार्वेलस, दोपहर को स्टाफ रूम में आना, तब मैं तुम्हें बता दूंगी लाइन क्लियर है या नहीं। फिलहाल बैठ जाओ। थैंक यू मिस। चलो अपना अपना परिचय दो, पहले यहाँ से स्टार्ट करो। हाय आई एम मिशेल। ये क्या सुन रहा हूँ, मिसाइल? अरे मिसाइल नहीं, मिशेल। आई स्टडी टिल 10th इन US। मैं लोखंडवाला से आ रही हूँ। जो सब उसे सब भाषा आती है। हाय मैं हूँ कांता जॉन। इससे पहले मैं लिटिल फ्लावर स्कूल में थी। यार ये और वो दोनों गहरे दोस्त हैं। really? पहले इसे सेट करते हैं। ओके और इसके जरिए उसे भी सेट कर लेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अनहोनी को होनी कर देंगे हम। आई एम शिबू, शिबू सनी। आज जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स है ना सर। हाँ कैसे पता चला? आपने बोर्ड में लिखा तभी समझ गया मैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैं फ्री में थोड़ी नसीहत दूंगा। ओके जिंदगी में कष्ट और मेहनत का अनुभव करने वाला ही ऊंचाइयों को छू सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 90% मार्क्स लेके पास हुआ तब एक दोस्त भी पढ़ा करता था मेरे साथ,
उसके दिमाग में हीरो बनने का भूत सवार था, इसलिए उसकी पढ़ाई भी छूट गई। ऑडिशन के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। तब मेरे पास जो गले में चेन थी उसे गिरवी रखकर मैंने उसकी मदद की, और कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला। आज वो बहुत बड़ा स्टार है। वो बीते हुए लम्हे आज मुझे एक सपना लग रहा है। तुम सबको देखकर आज अचानक उसकी याद आ गई। वो कौन है सर? पता होगा तुम्हें, वो है मेरा रणबीर कपूर, तुम लोगों का सुपरस्टार। क्यों हंस रहे हो? रणवीर सिंह? हाँ, वो मुझ पे जान छिड़कता था। रणबीर कपूर तो खानदानी अमीर है, देश में पड़ा है। अरे पेकू, क्या? ओह, आने जाने वालों से ऐसा बोल रहा है वो? क्या है कि फिल्मों में आने के बाद कुछ लोग इस तरह फेंकते हैं ना। उसने डिग्री भी फिनिश नहीं की, ये सिर्फ हम क्लोज लोग ही जानते हैं, यू नो। हाय। हाय कांतु। हाय। ए रोशन। प्रिया एक मिनट, अभी आए। मैं अभी आती हूँ। मैं क्लास में रहूँ। यही कहीं होगी। हाँ ये रे। अरे अच्छा, जल्दी आ जा। हाय। 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 हेलो। अबे हाथ हटा। तो क्या बस हाय बोलने हैं? काम की बात करना। बात ये। बात? कैसी बात? वो बात ये है कि देखो, तुम्हारी जो कॉमर्स में फ्रेंड है ना, हाँ, वही जो डिंपल वाली, हाँ, उसका नाम क्या है? किसे जानना है? इसे जानना है। जब से उसे देखा है तब से इसे बुखार हो गया है। बुखार हो गया? वैसा नहीं, लव इट फर्स्ट साइट। ओ, मेरे खातिर। उसका नाम तो बता दूंगी मैं, पर पहले मेरा नाम तो जान लो। हाँ, जो तुमने क्लास में बोला था। हाँ, अच्छा बताओ। कोई कहाँ से शुरू होता है तुम्हारा नाम? या, आई गॉट इट, दाक्षायणी। दाक्षायणी नहीं है। रॉन्ग नंबर डाला। और उसका नाम बताने के लिए मजबूर नहीं हूँ मैं। हेलो कांता, कैसी हो तुम? हेलो, मैं हूँ बैसाख पवन। जो मेरे करीबी है वो मुझे पवन डार्लिंग करके बुलाते हैं। ओके डियर। तुम कैसे दोस्त हो यार, साथ पढ़ने वाली छात्रा का नाम ही नहीं तुम्हें पता। लाना था। हाँ। जरा इसका नाम बताओ। वो तुम इनके माँ बाप से जाके पूछो ना, वैसे इन्होंने इसका नाम शाहरुख खान रख दिया है। एक एक का थोबड़ा देखो ना, सिल्ली बॉयस। कांता मैं चलूं, फिर मिलते हैं। देखो स्टूडेंट का नाम है सना। अच्छा नाम है सना। क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, वो हमारे दिल में। हमारे दिल में? वो हम दोनों का दिल इतनी जल्दी मिलेगा सोचा भी नहीं था। क्या कहा तूने? दिल मिल गया? किसका दिल? मतलब तूने ही तो कल आँख मार के इशारा किया था ना। मैंने आँख मार के इशारा किया? कब? आँखों से इशारा नहीं किया था? नहीं, ऐसा लगा होगा तुम्हें। ओ, तो ऐसा ही होगा। सचमुच किस किया मैंने? तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? लगता है सारा मामला चौपट हो गया। क्या हुआ, जुलाब हो गया? अरे वो नहीं यार, वो प्रिया, उसने मेरा फोन काट दिया आज। व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। ये किस कहीं मुझे लेकर ना डूबे। डुबा दिया। किस महंगा पड़ गया यार, तू फंस गया। राम नाम सत्य है तेरा। यार अब क्या करें? अब करने के लिए कुछ नहीं है, जो भी करेगा प्रिंसिपल करेगा। कल ही टीसी लेने के लिए तैयार रहो तुम, और अपने माँ से ये बोलना कि घर के पास कोई अच्छा स्कूल देख करके रखे। लल्ला दो पराठा देना। कुछ भी हो जाए तुम्हें टीसी मिल के रहेगी। घाव को मत कुरेद यार। कुरेद दूंगा। अरे यार कैसे याद किया तूने? ये क्या क्या हाल बना रखा है तुमने? इसके तोबड़े पे इतनी धूल जमी है कि चाची 420 कमल हसन की याद आ गई मुझे, बिखरी बालों वाली। फू, फू। ओ, चेहरे पे थोड़ी मेकअप लगाओ तो धूल लगती है। तुम्हारी वो प्रिया और सना लगाए तो ऐश्वर्या राय लगती है। किस लिए तूने बुलाया? अरे वो एक लोचा केस है यार, कल इसने प्रिया को किस दे दिया। किस दिया?
अरे वो दुष्ट, वो सुनसान जगह मिली तो बस किस कर बैठा मैं। मतलब सुनसान जगह मिली तो मरीन ड्राइव बना दोगे? बेशरम साला। किसी तरह सॉल्व करके दो ना प्लीज। तुम आओ, देखती हूँ। देखा बेटा। सना, तुम्हें कुछ पता है क्या? यहाँ किसिंग हो रही है। या अल्लाह, किसिंग? हाँ, लालची कमीना, और नहीं तो क्या। रोशन ने प्रिया को लिप टू लिप किस जो दिया। बेहया कहीं का। छी, वैसे हर बंदे के अंदर मेरे जैसे कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी। आगे संभाल के रहना तुम। प्रिया, दो मिनट बाहर आ सकती हो? तुमसे जरूरी बात करनी थी। तू कहाँ जा रही है? तू वहीं बैठ, बस प्रिया काफी है। पर्सनल पर्सनली कहाँ ले जा रहे हो? किस दोगे ना, अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। ये सब तूने इसको क्यों बताया? ओ, इसने भद्दा काम किया और तुमसे कहा कोई बुराई नहीं है। मेरा इससे कहना तुझे बुरा लग गया। कैसा भद्दा काम? अच्छा काम किया था। अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, बेशक तुम्हें वो पसंद है इसीलिए सबको बता दिया, वरना तुम तो प्रिंसी के पास जाके कम्प्लेन करती। हाँ, मैंने इसलिए किया क्योंकि क्लास शुरू होते कोई बड़ा इशू ना बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पसंद है मुझे। कितनी अकड़ है तुझमें। मेरे छोकरे में क्या कमी है? मैं होती तो कब का प्यार कर लेती। प्यार बेशक कर लो, किससे रोका? हाँ मैं कर लूंगी। हाँ रोशन, आइंदा ये मुद्दा लेके मेरे पास आना मत तुम। गलती से भी तुमसे मैं प्यार नहीं करूंगी। फिर उस गाना बंद कर यार। गाना बंद करना, तुम जगा रहे हो, गाना उसी ने लिखा है।
बेबी फ्रीक बेबी। वो अकड़ के उसे पटाने जा रहा है, ऊपर से हेडफोन भी लगा रखा है। अकड़, उसकी अकड़ में अभी ठीक तो करो। रुक, तू निकल। ठीक है भैया। मस्ती वाला गाना तूने लिखा? हाँ जी हाँ। तेरी डिसलाइक। लिजो जॉर्ज, सुपर बिया और सैयद कादरी, ये सब बॉलीवुड को हॉलीवुड लेवल में ले जा रहे हैं और तू ऐसा घटिया गाना लिख रहा है। आज के बाद इस तरह का गाना लिखने की कोशिश की तो टंगड़ी तोड़कर हाथ में दे दूंगा। चल निकल। अपने आप को जावेद अख्तर समझ के रखा है। चल निकल। चल बे। ये कौन सा नमूना है जो यूनिफॉर्म पहने बिना हमारी ओर आ रहा है? न्यू एडमिशन होगा यार। इधर आ बे। ये तेरी यूनिफॉर्म कहाँ गई? हाँ यूनिफॉर्म, मुझे किस लिए यूनिफॉर्म? घोचू घोचू पनोटी फिरोज को घोचू बोला? हम सीनियर्स यूनिफॉर्म पहन के घूमते हैं, तुझे पहनने में दिक्कत क्या है? मेरे पैरेंट्स टूट जाएंगे। जवाब दे मुझे, जवाब दे के जाना। पूछ रहा हूँ तू जवाब नहीं दे रहा है? इसे पकड़ना। अरे छोड़ क्या हो रहा है? अरे पनोटी फिरोज, ये टीचर है। ओ नो, सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे लगा कोई स्टूडेंट है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम हियर टू टीच, आई एम ए गेस्ट टीचर। सुन लिया ना, अभी जा। अरे यार टाइम ठीक नहीं, चलो यार। थैंक यू फॉर द हेल्प सर। दिस इज नथिंग, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इस लुक में बैग के साथ यहाँ आएंगे, स्टूडेंट ही समझेंगे सभी। ये बैग ऑफिस से फ्री में मिला है। अरे मर गया। ऑफिस में आपको देखा तो आपका नाम पूछना भूल गया मैं। योर गुड नेम प्लीज। आई एम विकी। सब्जेक्ट फिजिक्स? नहीं नहीं, मैथ्स। अरे अरे मैथ्स भी नहीं, बायोलॉजी। अरे अरे बायोलॉजी नहीं, दरअसल मैं यहाँ का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। वो कौन सा सब्जेक्ट है? सर आपका नाम? बेल क्लिंटन। ओहो बेल है, याद आया, सुबह से बेल नहीं बजाया। ये तो चपरासी निकला। Hey, don't call me chaprasi. I am principal's elder sons, elder sisters, elder brothers son. Vicky, Vicky P. Sebastian. Oh my God. Mind it. इसने क्या कहा? कुछ समझा नहीं मैं। Hey Michelle. Hi Gopi. Hi Michelle. देखो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। कैसी बात? वो ये कि I love you. यही वो जरूरी बात थी जो तुम मुझसे कहना चाहते थे? क्यों, ये जरूरी बात नहीं है क्या? हे मैन, देखो अमेरिका में ये लव का कोई मोल नहीं है, ये तो कॉमेडी पीस है। यू नो वन थिंग, आई एम नॉट अ वर्जिन। मेरे ख्यालों में है एक चेहरा हसी सा, अडार लव के पीछे मेरा दिल झूम चला, दे दूं मैं ये दिल उसी को। अरे बंद कर, बहुत हो गया ये गाना सुना के लोगों को बहकाना। फिर कभी भी भूल से ये गाना सुनाया तो सर फोड़ के रख दूंगा। दबाओ जा यहाँ से। तुझे कौन सा कीड़ा काटा? तुमसे भी कह रहा हूँ, निकल यहाँ से, स्प्रिंग बॉल वाली। यार गोपू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे मिशेल का क्या हुआ जरा बताओ। ये मिसाइल बहुत बार लॉन्च हो चुकी है मेरे भाई। कांता। क्या ईशान? अगर मैं कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानूंगी ना? तुम पहले पूछो तो सही, तभी तो बताऊंगी बुरा मानूंगी कि नहीं। ओ सही कहा, तो पूछूं? क्या तुम रोशन से लव करती हो? रोशन से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, ये बात किसी और को मत बताना, ओके? ठीक है, चलता हूँ बहन। अच्छा शान, बाय। सॉरी। प्रिया जरा मेरे साथ आओ ना। तुमसे कुछ कहूँ तो किसी से बोलोगी तो नहीं ना? नहीं। रोशन और कांता लवर्स हैं। क्या? हाय कांता। हाय। एग पफ खा रही हो? हाँ, खाओगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो वेज हूँ। कांता। हाँ? मैं तुमसे कुछ पूछूं?
क्या है? तुम्हारे और रोशन के बीच कुछ प्रेम वेम है क्या? अरे रे, मैंने यूं ही शान से कहा कि मैं रोशन से प्रेम करती हूँ और उसने ये बात आकर तुम्हें बता दी। शान क्या, वो क्लास में लड़कों से सीधे मुंह बात नहीं करता है तो मुझसे क्या करेगा? फिर तुमने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, क्लास में सब तुम दोनों की बात करते हैं। कांता, तुम जरा संभल के रहो वरना खामखा बदनामी के दाग तुम्हारे दामन में लग जाएंगे। मैंने ठीक कहा ना? क्या? अरे कुछ नहीं, पफ खाओ ना। सेटिंग है यार। यार वो तो हूर लग रही है। क्या हूर? जन्नत की हूर। हेलो सना, खैरियत से हो ना? ये बता दिल्लू बेटा कैसा है? हाँ? मेरे भाई का नाम तुम्हें कैसे पता? थोड़ा जल्दी जान गया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ओ मेरी सना, जरा इस चिलमन को तो हटा, जुल्फों की घटा को देखने तो दे। अरे यार, तुझे उसके भाई का नाम कैसे पता चला? ये फेसबुक किस लिए है? चेहरा पढ़ने के लिए है क्या? इस जाड़िये को अपन अपने नहीं दूंगा। खून करूंगा, उस गैंडे का खून करूंगा। प्रिया। हाँ। अब तू मेरे सामने ज्यादा अकड़ मत दिखा, तू मुझे पसंद करती है ये मैं जानता हूँ। किसने बताया? कांता ने बताया मुझे। है? ऐसा कुछ भी नहीं बताया ना मैंने। कुछ भी नहीं बताया तुमने? क्या मैं और कांता एक दूसरे से प्यार करते हैं ये पूछा नहीं तुमने उससे? है? ऐसा कुछ भी नहीं पूछा मैंने उससे, वो तो बड़ी झूठी है। कौन है रे झूठी? तूने ही पूछा ना हम दोनों प्यार करते हैं कि नहीं। उफ हो, दोनों से तंग आ चुकी हूँ मैं, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे वो लड़कों का है। सॉरी, बाय। दिमाग खराब होता है तो बॉयज टॉयलेट जाती हो क्या? शर्ट स्प्रिंग हेयर, हट चड़ी बिंडी। प्रिया, ये मर्दों की इज्जत का फालूदा निकाल के रहेगी। अब इस भजिए का बिल तू जाके दे। यार साला, प्रिया हाथ मोड़ के रख दिया। साथ में वो छोटा रिचार्ज कौन है? भैया तो 5 स्टार देना। 5 स्टार? मुझे स्नीकर्स चाहिए। दीदी, ताऊजी के समान कंजूस मत बनो। ओहो, खाना है तो खा लो। हाय प्रिया। हाय, क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ, मेरा कजिन ब्रदर है आदित्य। आदित्य, मुझे भी एक चॉकलेट दो ना। चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो स्कूल क्यों आती हो? इन भिखारियों के साथ रहोगी तो तुम भी एक दिन भिखारी बन जाओगी। हेलो हेलो सर, कहाँ भागे जा रहे हैं? ये फ्री पीरियड है और मुझे क्लास लेनी है। फ्री पीरियड का मतलब ये नहीं कि गणित का पीरियड है। कई गणित के मास्टर फ्री पीरियड को सन्नी लियोनी समझकर चिपक जाते हैं। मुझे पोशन्स खत्म करने हैं। और मुझे भी। वैसे आरोग्य भरा शरीर हो तो ही आरोग्य भरा मन होगा और आरोग्य मन से ही बच्चों को समझा पाओगे। यू मे गो प्लीज, प्रिंसिपल के बोलने से मैं आया हूँ। तो प्रिंसी को बोलना मैं अपने स्टूडेंट के साथ ग्राउंड में मिलूंगा। कम ऑन बॉयज। अरे कहाँ जा रहे हो? काम के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। बाप रे, हाफ रहा। पास पास पास। ये दे यार, ये ले। रोशन। चल 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 चल। इधर इधर दे भाई। स्नीकर्स वर्कआउट हो गया। तुम्हारा कोई है जो स्नीकर्स कंपनी में काम करता है? कोई भी काम नहीं करता। फिर किस लिए मेरे भाई को फ्री में स्नीकर्स खरीद के दिया? तेरे भाई को नहीं लेके दूंगा तो किसके भाई को लेके दूंगा? अगर स्नीकर्स मेरे भाई को चाहिए तो मैं खरीद के दूंगी। आगे से ऐसा चीप बिहेवियर मत करना, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो प्रिया। बड़े बड़े डायलॉग मार के गई थी ना? क्या है? देख, तेरे भाई को पूरे 3 स्नीकर्स दिए थे, इसमें तो 2 ही है, बाकी का कब दोगी? जाके उसे पूछती हूँ। तुम्हारा वो स्नीकर्स दे दूंगी मैं, ज्यादा शोर मत मचाना तुम। दे देना।
अरे कुछ नहीं होने वाला स्निकर से, जो भी ट्रिक्स अपनाएंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। सना को सेट करने के लिए जो ट्रिक्स मैंने रखी है उनमें से एक दो तुम्हें दे दूंगा मैं, और उसे प्रिया पे आजमा के देखना तुम, मामला सेट हो जाएगा। ऐसी गंदी ट्रिक्स के साथ वहाँ जाने से पहले मैथ्यू उसे पटा लेगा। मैथ्यू? क्या? हाँ, हमारे गोपू के साथ रहने वाला मैथ्यू। अबोध बालक और प्रेम, चल फट। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो फिर कांता को फोन करके पूछ ले। हेलो। हेलो कांता, पवन बोल रहा हूँ। हाँ पवन, बोलना। क्या मैथ्यू सना के पीछे पड़ा हुआ है? मैथ्यू? हाँ, वो उसका नाम वगैरह पूछ रहा था। किस लिए? सना को देखा तो उसने कहा उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। उस बंदे से बोलना मेरे रास्ते में ना आए, वरना उसे जला के राख कर दूंगा। अरे तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? सेट राइट कर लेंगे ना। मैं टरर हूँ कांता, मैं टरर हूँ। उनसे कहना कि खून की नदियाँ मत बहाओ खामोखा। ये पागल हो गया क्या? मुझ पे क्यों चढ़? वैसे एक ही लड़की से इश्क लड़ाने के लिए तुम दोनों क्या पांडु पुत्र हो? यार वो मुझे चाहती है, सच बोल रहा हूँ। यार तुमने देखा ना, वो मुझे देख के हंस रही थी। हंस रही थी? हाँ, वो मुझे देख के हंस रही थी। तेरा मजाक उड़ा के हंस रही थी वो। अब कुछ कहा तो मैं तेरी ए, जाड़िए, मैं उखाड़ दूंगा तुझे। अरे आराम से। सुना कमीने, कूल डाउन कूल डाउन। अबे किसे घूर रहा है? ये कॉमर्स की लड़की के पीछे हम सारे साइंस वाले ऐसे झगड़ा कर रहे हैं ना, बहुत बुरी बात है। इसलिए उसको कौन ताड़ेगा ये आज डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, सही कह रही है। अब उसका फैसला कैसे होगा? टॉस करें? ओके। ओके। अच्छा बताओ। रजनीकांत तलाईवा। ओके। हेड हेड। सना मेरी है, सना मेरी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस कॉम्बो पैक से वो फंसेगी क्या? फंसेगी वो, नहीं तो फंसाऊंगा। आज से उसकी खातिर डाइटिंग शुरू कर रहा हूँ मैं। डाइटिंग? अच्छा, इससे अच्छा है उसे खिला पिला के अपने जैसे बनाओ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ए जड़िए, क्या है ये? क्या हाथों में चॉकलेट? मामला क्या है? ये मेरी वुडबी के लिए। वुडबी? कौन सी वुडबी? सना। कौन सना? वही कॉमर्स की छात्रा सना। ओ वो सना। दे दो, कोई बात नहीं, मगर उसे देते समय ये बोलना कि हक्कू खान ने दिया है। हक्कू खान? ये कौन है? हक्कू क्या है? मैं ही हक्कू हूँ। हक्कू? ये क्या नाम है यार? यार जो सना को देने के लिए चॉकलेट है ना तेरे पास, उसे कहना कि यार वो मैंने दिया है। हाँ। ये मेरे पैसे से खरीदी हुई चॉकलेट है, ना कि तेरे बाप के पैसे से खरीदी हुई चॉकलेट। अच्छी बात है। तू कौन है बे? मैं उसका जिगरी दोस्त। तेरी भी पिटाई करूं क्या? भाग, चल। अबे जाड़िए, मस्ती चढ़िए। लेकिन तुम्हें कैसे पता? सना पता है। ओके बाय। हाँ, ये चॉकलेट वगैरह किसके लिए है? वो हमारे सीनियर हक्कू है ना, वो वहाँ। हाँ, उसने देने के लिए कहा, वो भी तुम्हें चाहता है। तुम नो बोल देना। नो ऐसा नहीं बोलूंगी। नो नहीं बोलूंगी मैं। मिडिल स्कूल से ही मैं हक्कू खान की फैन हूँ। आई लव हिम टू मच। मैं पुरानी नाइना फाइटर जो हूँ। एनीवे थैंक्स। गेंडे,
यहाँ देखना ऊपर आ रहा आ रहा हूँ. ओह माय गॉड, तुम्हारी हूर उड़ गई इसलिए उदास हो ना? सहा नहीं जा रहा यार, वैसे भी जाड़िये लोग कॉमेडी पीस होते हैं. आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां होंगी पर प्यार करने वाला कोई नहीं होगा. जाड़िया हूं ना. आओ. नहीं यार नहीं. अरे आओ ना. अरे देवदास मत बनो यार. अच्छा हुआ तू टॉस जीत गया, वरना वो लोग मेरी बोटी बोटी काटते. बालिकाओं के लिए तुम कुछ भी करो कोई फायदा नहीं यार. पता है तुझे, हम लोग काफी मशक्कत करके फंसा के फुल टाइम कॉल और मैसेज करेंगे और कंगाली में रिचार्ज करेंगे, ट्रीट भी देंगे. उसके लिए बर्थडे और वैलेंटाइंस डे में कर्जा लेकर गिफ्ट देते हैं, यहाँ तक चड्डी भी गिरवी रख के उसे खुश रखते हैं. हम कंगाल हुए ये जानते ही एक ही डायलॉग बोलकर निकल जाती है. ये कौन सा डायलॉग है? डार्लिंग हमारे बारे में घर वालों को पता चल गया है. इसीलिए बोल रहा हूँ पागल प्रेमी बन के उनका पीछा करना छोड़ दे. अम्मा यार, मैरी गई तो मारिया आएगी. राइट, मारिया गई तो मारला और मेरी आएगी. यार हमारी गहरी दोस्ती के सामने लॉन्डियो का प्यार कुछ नहीं है. उससे अच्छी हूट मिलेगी. फ्रेंडशिप क्या मेरे संग आओगे तो जानोगे, फ्रेंडशिप की मोल क्या निभाओगे तो जानोगे. फ्रेंड का कोई लफड़ा हो तो फ्रेंड में खड़ा मिलेगा वह. तुझ पे जो आफत आए अपने सर पर ले लेगा वह. लाइन कर तुम्हारे घर तो फुल सपोर्ट करेगा. वेट लिफ्ट करते समय डंबल जैसे तुम्हें उठाए वो. घर बोतल हो तो हाथ में साइड डिश लेकर हाजिर बंदा. बहक जाए पी के तू क्लीनर बनकर आए वो. संग आओगे तो जानोगे, फ्रेंडशिप की मोल क्या निभाओगे तो जानोगे. फ्रेंड का कोई लफड़ा हो तो फ्रेंड में खड़ा मिलेगा वह. तुझ पे जो आफत आए अपने सर पर ले लेगा वह. लाइन कर तुम्हारे घर तो फुल सपोर्ट करेगा. वेट लिफ्ट करते समय डंबल जैसे तुम्हें उठाए वो. घर बोतल हो तो हाथ में साइड डिश लेकर हाजिर बंदा. बैग जाए पी के तू क्लीनर बनकर आए वो. With you forever friend, forever friend, I'm always with you. Forever friend, I'm always with you. With you forever friend, I'm always with you. Forever friend, I'm always with you. अभी तक सॉल्व नहीं किया क्या? हाँ, जब हम स्टूडेंट्स थे तो फटाफट सॉल्व क्या करते थे पता है? जब मैं स्टूडेंट था टीचर के सॉल्व करने से पहले ही मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था. हम भी कर सकते हैं. आपके रूम के इतना बच्चे इसीलिए नहीं कर रहे. बट क्या क्या तुमने? सिर्फ मैंने, इन सबने भी नहीं किया सर. कोई और है जिसने होमवर्क नहीं किया? सर जी. क्या प्रिया, होमवर्क नहीं किया क्या? दर्द हो रहा है पेट में. टॉयलेट जाओगी? प्रिया क्या है सर? टेक केयर. ओके, थैंक यू सर. वेलकम. ओवर ना करने वाले दफा हो जाए यहाँ से. सुना, गो 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 गो. थैंक यू सर. सना, हकू खान की वेट कर रही हो?
हे, मेरा कंप्यूटर लैब क्लास था, अभी आई मैं। ये बता, तुम्हारी क्लास नहीं है? फेकू सर का क्लास था, होमवर्क नहीं किया इसलिए पेट दर्द का बहाना बना के आ गई। वैसे भी पेट दर्द का बहाना बना के कभी भी हम लोग क्लास स्किप कर सकते हैं। सही कहा तुमने, अब तुम जाओ। चलती हूँ, कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो ऐसा ही है। नैन मटक्खा में तू माहिर है। तो होमवर्क किए बिना क्लास स्किप करके आई हो? हाँ आई हूँ। तो ऐसा है तो फिर मैं सर को बोलूंगा, तुम्हारी सारी पोल खोलूंगा। बोल दो, तुमने मुझे जबरन किस किया और हाथ धो के पीछे पड़ो, ये सभी प्रिंसिपल से बोल दूंगी। ए, ऐसा मत करना, कितने दिनों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, दिल से बोलो ना मैं तुम्हें पसंद हूँ। अगर पसंद हो तो ही तो दिल से बोलूँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो। कारण बताओ। कारण तो मैं भी नहीं जानती। किसी को पसंद या नापसंद करने के पीछे जरूर कोई कारण तो होगा, नहीं ते तुम मुझे पसंद करती हो। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसी बात है तो फिर मेरा केस लौटा दो फिर मुझे। अरे हट। अच्छा लगे तो लौटाने की जरूरत नहीं है। चल बे। अच्छा क्लास में आओ, वहाँ किस दूंगी तुम्हें। है? क्लास में दोगी? हाँ आओ ना। Acceleration is equal to force by... Excuse me, madam. Mass. Yes. May I come in? Yes, come in. Madam, ये annual day का invitation है. Okay. Sorry, वो नहीं, ये. Okay. Yes, sir. Dear students, आगामी 30 तारीख को हमारे स्कूल का annual day कार्यक्रम आरंभ होगा. Okay? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसमें उपस्थित होकर इसे सफल बनाएंगे. सफल बनाएंगे ना? Yes, sir. अब एक और मुख्य बात यह है कि यह मेरे भक्ति के गानों का न्यू एल्बम है, यह आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। ऑफिस में उपलब्ध है, आप लोग इसे जरूर खरीदें। बस खरीदना जरूरी है ना सर, सुनना तो जरूरी नहीं है ना। अरे सुनो, इसके लिए संगीत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर ये अच्छा गाती है। अच्छा तो तुम गा के सुनाओ। गाऊं क्या? हाँ गाओ ना। हाँ तुमने सुना नहीं, आगे गाओ। कम ऑन। आज तो धूम मचाऊंगी। मिस उनको भी बुलाओ। बुलाओ। फ्रांसिस, पवन आओ ना। आओ क्या? सर उन्हें आने दीजिए। सुन वो वाला गाना याद है ना? सर हम गाएं? सबका सपोर्ट हमें चाहिए। हाँ पहले गाओ। भोली भाली लड़की, अभी गाना। भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की। अरे भोली भाली लड़की, खोल तेरे दिल की। मैं प्रेमी तू दिलबर है, अरे मेरे अक्षय कुमार यही तो उम्र है। बहुत हो गया, बंद करो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, संगीत का क्यों खून कर रहे हैं तुम लोग? ओहो ईश्वरी बचाए तुम्हें। चलो क्यों गाना गाएंगे। दरअसल इसे छोटे सोडियम के टुकड़े को ही एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं, समझे? उसके बाद सावधानी पूर्वक इसको इस तरह इसके अंदर ऐसे डालेंगे। देखा, अब असली काम शुरू होने वाला है। मूव हो रहा है, देखा? केमिस्ट्री वर्कआउट हो रही है। अब देखो चिंगारी निकल रही है। आप लोग देखो ना, चिंगारी निकल रही है। This is a simple experiment of exothermic reaction. लैब में आके काफी दिन हो गए। बच्चों जरा हटो, देखने दो। मास्टर जी ये क्या प्रोग्राम है? आप यहाँ क्यों आए? आज मेरा लास्ट पीरियड है। अच्छा अच्छा दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको यूं अंदर डालो, बुलबुले निकलेंगे। देखा? ये तो ऐसे घूम रही है जैसे चक्री घूम रही है। छोटे टुकड़े डाल के कंजूसी करके स्कूल को फायदा क्यों पहुँचा रहे हो? इसे दोनों हाथों से उठाओ, अनार की तरह जलाओ, ये देखो, और यूं डालो। Oh,
तुम बच्चों को स्कूल में बम बनाना सिखा रहे हो कमीने? अरे आयरन है ना वो? हाँ। कमाल लग रही है वो कलर ड्रेस में। कई लड़कियां ऐसी हैं, यूनिफॉर्म से ज्यादा सुंदर लगती है कलर ड्रेस में, है ना? मैं भी कलर ड्रेस में हूँ, लेकिन तुमने मुझसे ये बात नहीं कही। तुम तो यूनिफॉर्म में भी कलरफुल लगती हो। देख यार रोशन, क्यों उल्लू बना रहे हो मुझे? ए, इस तितली के साथ क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है ना? ओ, तो आप ये है, मतलब कांता को छोड़ दिया तूने, नूडल बालों वाली? वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा तो ये बात है। मतलब ये नया सेटअप है। सेटअप अपनी दादी माँ को बोल। दादी माँ को गाली देती। सर जी, छोड़ूंगा नहीं। सुन बबुआ, यहाँ के फेको गणित मास्टर जैसे प्रिंसी से रिपोर्ट नहीं करूंगा मैं, सर काट के हाथ में दे दूंगा। चल भाग। तूने उसकी दादी माँ को गाली क्यों दी? अच्छा हुआ कि दादी माँ का नाम लिया, वरना मैं उसके माँ की गाली देती। आकाश, कांता जॉन, प्रिया, रेशमा, कांता, कांता, कितने मार्क्स है? हमारे क्लास के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले एक स्टूडेंट का पेपर है। मार्वेलस, जूलॉजी में सिर्फ तुम ही फेल हुए हो। यहाँ वो सारे डाउट्स पूछा करते थे जो किसी को नहीं होता था। इतने सारे डाउट पूछने के बाद भी अगर मैं हार गया तो फिर उस हार का श्रेय आपको भी जाता है ना? ये डायलॉग बाजी बंद करो, ये पेपर प्रिंसिपल के पास होगा, पेरेंट्स के साइन करने के बाद ही तुम क्लास में आना, ठीक है? The sky had been overcast with clouds. The day was still cool and wearisome. As usual, on grey, dull days, when the clouds stand low over the fields, and it looks like rain, which never comes. Took a deep breath and lighted his pipe before beginning the story. But just, okay, see you for the next class. Thank you. जाओगी नहीं? जाऊं क्या? मत जाओ। रोशन, एक बात पूछूं? क्या है? तुम सीरियस हो ना, धोखा नहीं दोगे? मैं तो सीरियसली सीरियस हूँ। तो फिर चलो। चलो। आंखें बंद कर। किस लिए? आंखें बंद कर ना। आंखें खोलने के लिए सोचा कि दोनों आंखों पे किस करूं। ओह सॉरी, मैं फिर से बंद करता हूं। अभी नहीं, वो मूड नहीं है, मैं जा रही हूं। रोशन, आई लव यू लव यू लव यू लव यू। हाँ हर
हरिता बोलो ना। है हरिता? हाँ सुनो। देखो अब बाहर जाके फोन करने की कोशिश मत करना। हरिता है मम्मी। चाहे कोई भी हो तुम यहीं पे बैठ के उससे बात करोगी, समझ गई ना? हाँ असाइनमेंट है ना। अच्छा कल जल्दी आ जाना तुम, हम दोनों साथ लिखेंगे, जल्दी आओगी ना? जल्दी आना है मुझे। हाँ बेशक आना होगा। अच्छा आ जाऊंगा, ठीक है फिर, ओके गुड नाइट। हाँ। कल बुलाया तो 100 नखरे कर रही थी। नखरे जाए भाड़ में, तुमसे किसी का फोन पे बात करने के लिए? ओह गॉड क्या हुआ? माँ पास में थी, माँ जान गई तो डैडी भी जान जाएंगे। वो जान गए तो काम आसान हो जाएगा। अरे वाह, डैडी जान गए तो पता है क्या होगा, स्कूल ही बदल देंगे। है? तो अब तक कितने स्कूल बदले? ओहो दिमाग मत चाटो, जैसे ही टाइम मिलेगा फोन करूंगी तुम्हें। ओफो सुबह ही शुरू हो गए तुम दोनों। मैं अभी आई हूँ। ये तुम्हें बहुत पसंद है, ये बात मैं पहले से ही जानती थी। यूं ही इस बालक का टाइम वेस्ट कर दिया है ना। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? रिकॉर्ड लेने के लिए जा रही हूँ। हे मत जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जाना, जाके उसके साये में घुस जा। अरे उसका मजाक मत उड़ा, वो उसका हमसाया है। यही तो वो भी बोल रहा था, साये में घुस जा। गुस्से में लग रही हो? मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। तो फिर कुछ बोलो ना। कुछ भी बोलो चलेगा, चल पुट लफंगा। बैठोगे तो इस मोटू को भी जगह मिलेगी। हमें छोड़ दीजिए बाजूट। अरे टिकट 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 टिकट। अरे कहाँ जाना है, कितने लोग हैं? चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
बस में तुम इससे खड़े नहीं रह सकते। एक बार समझाने से समझ नहीं आती, 10 बार समझाना पड़ता है। ए चिकनी बैठ जा। तू कौन है? क्या करेगा? ये साला दाढ़ी वाला कब से तंग कर रहा है मुझे? हाँ तुझे अभी पता चला कि मैं तंग कर रहा था? बदतमीजी करके डायलॉग बोलता है कुत्ते। ये लोग बादशाह भाई की टीम है, लड़की छेड़ना इनका काम है। क्या मेरी तो जान ही अटक गई थी। मतलब प्लान वर्कआउट हो गया। अरे रे तुम सिर्फ फोड़ते ही हो, केक नहीं खिलाओगे? केक तो रेडी है, तू चल, पापा हमें वेट कर रहे हैं। घर वालों को तो मानना पड़ेगा, रात के 12 बजे जवान लड़कों के साथ मिलकर बर्थडे मना रही है। अगर मेरे डैड होते ना, लात मारकर घर से निकाल दिया होता। उसके घर वाले बहुत ही खुले विचार के हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ सारे क्रिश्चियंस वैसे ही है, जब भी देखो प्यार से ही बोलेंगे वो। पैसा उधार मांग के देखो, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, डैड ने बताया है। तेरे डैड के पास तो काफी पैसे हैं, उधार मांगते हुए शर्म नहीं आती उन्हें? डैड ने एक फूटी कौड़ी भी किसी से उधार नहीं ली है, मैं तो बस समझा रही थी। वो कांता नहीं कांटा है, समझ लो। तुम दोनों फुल टाइम इश्क में ही लगे रहते हो। हैप्पी बर्थडे कांता, कल एंजॉय किया ना सबने? मैंने मिस कर दिया। ओहो कल हमारा फेस्टिवल डे है बेबी, धूमधाम से मनाएंगे। ए, इसे क्रिश्चियन फेस्टिवल्स पसंद नहीं। किसने बोला मुझे क्रिश्चियन फेस्टिवल पसंद नहीं है? मुझे क्रिश्चियन फेस्टिवल बहुत पसंद है, मैं आऊंगी। ये हुई ना बात, ठीक है मैं चलती हूँ, थोड़ी शॉपिंग करनी है, बाय। ओके कांता। कहीं भी जाओ पीछे पीछे आती है चुड़ैल। इस तरह मैं तुम्हें उसके साथ अकेले कभी नहीं छोड़ने वाली।
आंख मेरी फड़की 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 और एक पैक दोगी दोगी दोगी। अरे वाह, दो पे गौर चाहिए तुझे। अरे दारू पीने की भी कोई हद होती है। नारियल पानी समझ के गटक जाओगे ना तो यही हाल होगा। चल फूट बे, मैं नशे में हूँ। ये भी वही बोल रहा है कि तू नशे में। नशे में नहीं, मजे में हूँ। अरे जरा देखने दो ना। हेलो हेलो, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। Perfectly alright. अरे चुप करो यार, स्नेहा में से बात करने दो मुझे। स्नेहा में से? इतनी रात को? रात को ही मुझे डाउट होता है। और शिट, कौन है यार ये रात को मैसेज भेज रहा है? अरे यार पीस 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 कहाँ? ये सिर्फ पीस ही नहीं, ये तो पॉर्न फिल्म है, देखो यार। पॉर्न फिल्म? किस लुच्चे ने ये हरकत की? अरे टीचर्स और गर्ल्स भी इसी ग्रुप में है। इसकी हरकत है। क्या कहा? मेरा फोन तो इस कमीने के पास है। क्या? ओह नो। अरे यार सॉरी, मुझसे छोटी सी भूल हो गई। रुको, अभी मैं इसे सुधारता हूँ। डिलीट फॉर मी, प्रॉब्लम खत्म हुई ना? अबे पागल है, डिलीट फॉर एवरीवन करना था तुझे। अरे रोशन, गया काम से तू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोशन। यार जान गई, ऑफिस की ये दीदी भी जान गई। अब कौन सा मुंह लेके क्लास में जाओगे? यार लगता है सबको पता चल गया, सब मुझे ही देख रहे हैं। अरे यार, अरे यार किसी बेगाना शादी में जाते हैं ना तो लोग बाग हमें देखते हैं ना, ये भी ऐसा ही है। अबे साले, जो भी हुआ तेरी वजह से हुआ है। अरे छोड़ने यार। रोशन, फुल वैरायटी आइटम है तेरे पास। अरे कहाँ से मिली यार? ये पतलून फड़वा के खून के असुर हो रहा है और तू लंगोट खींच रहा है। चल भाई यहाँ से। भूल हो गई, कहीं अगर प्रिंसी जान गए तो? नहीं तो क्या, तुम्हें पता है हमारे प्रिंसिपल इस ग्रुप के एडमिन है, टीसी फाड़ के हाथ में दे देंगे। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम इन वाटर। हाँ, पानी में डाले गए पीस के साइज के अनुसार जो भी रिएक्शन है वो बदलता रहेगा। साइलेंस। आई मीन पीस ऑफ पोटेशियम, जो तुम समझ रहे हो वो पीस नहीं है, केमिस्ट्री देखो। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, द रिजल्ट इज बेसिकली। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। इसकी छुट्टी हो गई, छुट्टी। एक्सोथर्मिक। मुझे रोशन को प्रिंसिपल ने याद किया है। रोशन तुम्हें पीस ने याद किया? प्रिंस ही ने याद किया। रोशन तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। की दशा चल रही है यार, मेरा नाम मत लेना प्लीज। रोशन गेट अप, गेट अप। यू कंटिन्यू। आई कंटिन्यू। कम ऑन, टीसी फाड़ के हाथ में देंगे तो अब इससे हमने क्या जाना? सोचे बिना पीस डालोगे तो रिएक्शन बहुत बड़ा होगा। थैंक यू। देख मामला प्रिंसी तक पहुंच चुका है, अब भी तुम उसके साथ दोस्ती रखोगी तो बदनाम हो जाओगी। तुम उसे छोड़ दो, मैं होती तो उसे घास तक नहीं डालती। कैसे खड़ा है ये? जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर का अवार्ड लेकर आया हो, बेशरम कहीं का। पढ़ाई से संबंधित बातों को कम्युनिकेट करने के लिए ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने, ना कि तुझे मनमानी करने के लिए। सॉरी सर, मुझे एक भूल हो गई। भूल हो गई? इसे भूल नहीं, अभद्रता बोलते हैं। एक काम करो, डैडी को बुला के लाओ, उसके बाद क्लास में जाना तुम। सर डैड। क्यों डैड नहीं है? नहीं सर है, शहर में नहीं है। फिर? गल्फ में। अब समझा, इसलिए तुम अपनी मनमानी करते हो। जब बच्चों को माँ पालती है तो यही सब होता है। एक काम करो, अपनी माँ को बुला कर लाओ। सर हा? किस तरह ये माँ को बताऊँ मैं? ठीक है, मैं बता दूंगा। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए कि घर में माँ बहने भी हैं। इस प्रकार के अश्लील वीडियो देखने वाले तुझ जैसे जवान लड़के ही उत्पीड़न केस में फंसते हैं, समझ गए? सॉरी सर, ऐसा कभी नहीं होगा सर। हाँ ऐसा ना हो इसलिए माँ को बुलाने के लिए बोला। ये लो इसे रख लो। सस्पेंशन लेटर है। खैर अब एक हफ्ते के बाद ही क्लास में आना। गेट आउट।
रोशन, ये तुमने बहुत ही बुरा किया। तेरा कैरेक्टर इतना चीप है, मैंने सोचा ही नहीं। वैसे ही टेंशन में हूँ मैं। क्या बात है, जाने बिना कुछ मत बोलना। क्या जानना है, तेरे कारण शर्म से मेरा सिर झुक गया। तुझे किस बात की शर्म? तुम्हें मैंने चाहा, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम गलत काम करोगे, उसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। अभी इरिटेट किए बिना जा यहाँ से। हाँ मैं जा रही हूँ, उससे पहले एक और बात करनी है मुझे। क्या है? इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है। लेट्स ब्रेक अप। अरे यार, सस्पेंशन लेटर मिल गया, अब हॉस्टल रहना मुश्किल है, अब घर पे जाके मजा लेना। घर जाने का मन नहीं है यार। तो फिर क्या आत्महत्या करोगे? ये मर गया साला। अपना मुंह बंद करो तुम। माँ को इस बारे में कैसे बताऊंगा, ये सोच के टेंस हो रहा हूँ यार। ये सब कोई टेंशन लेने वाली बात है क्या यार? मैं हूँ ना तेरे साथ, हमारे लिए फ्रेंडशिप ही बड़ी है। तो तू ही जाके बोलना प्रिंसिपल से, तेरी करतूत थी वो। सुनो यार, धोखा मत देना, मेरे मम्मी डैडी आत्महत्या कर लेंगे। ए गैंडे, कहो। कान के नीचे फटका लगाऊंगा मैं। बहुत हुई तेरी ओवर एक्टिंग, तेरे कारण इसका ये हाल हुआ है। तुम ही इसे बचाओगे, समझे? नौटंकी करता है यार। मेरे एक अंकल है, वो यहाँ के SI है, उनसे बात करके देखते हैं ना, वो मामले को ऐसे सुलझाएंगे कि घर वालों को भनक भी नहीं होगी। हरीशर। हाँ, तुम धैर्य रखो। धैर्य रखने के लिए कह रही हो? पोर्न केस में पुलिस स्टेशन जाने से बेहतर है ये शहर छोड़ दो। 6:30 बजे कुर्ला एक्सप्रेस जो है। पुलिस वाले कभी किसी के अपने नहीं होते। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, अंकल बहुत फ्रेंडली है। ये क्या, तुम तीनों बवासीर के मरीज हो? फिर खड़े क्यों हो? नहीं सर, साधारण तौर पे एक ऐसे के सामने कैसे बैठेंगे, और कहीं गलती से बैठ गए तो पूछेंगे कि किसने कहा तुम्हें बैठने के लिए। पुलिस वालों की तुम टांग खींच रहे हो? नहीं। बैठ जा। अरे बैठो, हमारे सर जी ही हैं। अरे तुम बीच में बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ। अरे जो कुछ भी बोलना है बोल दो, हमारे सर जी ही है। नहीं नहीं, सारी बातें कांता ने मुझे बता दी। किस लिए गंदे पोर्न फिल्म देखते हो? मैंने नहीं, इसने देखी। दरअसल पढ़ाई के स्ट्रेस से रिलैक्स होने के लिए हम लोग ये पॉर्न फिल्म देखते हैं सर। 11वीं क्लास में ऐसा कौन सा स्ट्रेस है? इस तरह का वीडियो देखना गुनाह है तुम्हें पता नहीं? ओह नो। यस। सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट, IPC सेक्शन 293 के तहत दोनों सेक्शंस को मिला के चार्ज करेंगे तो 5 साल के लिए अंदर हो जाओगे। आगे से पोर्न फिल्म नहीं देखूंगा सर, घर वालों को पता चलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे सर, आत्महत्या कर लेंगे। दीदी थोड़ा पानी मिलेगा? क्या चाहिए? कसम से नहीं देखूंगा सर पोर्न फिल्म, नहीं देखूंगा। हाँ बस बस, बहुत हो गया। तेरे उस प्रिंसिपल को मैंने यहाँ बुलाया है, इतना बड़ा हादसा हुआ और पुलिस को खबर किए बिना रफा दफा कर दिया। आने दो, यहाँ दिखाता हूँ। प्रिंसिपल ही गया। साहब जी, वो प्रिंसिपल आए हैं। बुलाओ उसको। ओके साहब। फंस गए। अरे कहाँ फंस गए? इस मसीह की स्तुति हो। इधर इधर। गुड इवनिंग सर। बैठने को बोला क्या? यही सवाल करेंगे, जानता था। सॉरी सर, मैं डॉन बॉस्को स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो क्या बैठ जाओगे? जी नहीं। बैठो। बच्चों ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की? बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे। ये कहां से मिला पता है? नहीं। रेलवे ट्रैक से। हैं? रेलवे ट्रैक? आपका नाम लिख के मरने जा रहा था पता है? दिवाकर सर। देखो
ये है वो सुसाइड नोट, जरा पढ़ो, प्रिंसी को सुनने दो। जी सर। नहीं सर, इसमें तो इसमें जो लिखा है वही पढ़ो। ओके सर। सुसाइड नोट। माय डियर मम्मी, मैं तुम्हारा प्यारा बेटा रोशन, और मैं अपने होशो हवास में लिख रहा हूँ कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, और मैं ये इस गंदी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। इस बेटे से नफरत मत करना, मत करना। डैडी को मैं बहुत चाहता हूँ, ये बात उन्हें बता देना। क्या है ये? जो प्यार मेरे लिए बचा के रखे थे वो पूरा प्यार मेरे छोटे भाई पप्पू, पप्पू को दे देना। पप्पू, ये कौन है? दिवाकर, दिवाकर। वो प्रिंसिपल ही इस आत्महत्या का कारण है, सिर्फ उसी पोर्शन को पढ़ना। ओके सर। क्या? उसी ट्रैक में आ रहा हूँ सर। खुदकुशी के लिए मुझे उकसाने वाला कोई और नहीं, कुत्ता और कमीना ये लुच्चा प्रिंसिपल ही है। हरी शर्ट वाला गुंडा प्रिंसिपल। गुनाह किए बिना ही मुझे इस प्रिंसिपल ने गुनहगार ठहरा दिया। इसने मुझे मानसिक और शारीरिक तौर से भी तंग किया। ऊपर दिए कारणों से तंग आकर मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। प्लीज मुझे क्षमा कर देना मम्मी। आपका आज्ञाकारी पुत्र रोशन। हाँ बस। ओके सर। अब जाओ। ओके सर। बेटा रोशन, आओ यहाँ बैठो, बैठो ना बेटा। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? देखा ना सर? नहीं, आपने इसे मेंटली बहुत टॉर्चर किया है ना? अजी सर जी, मैंने इसे कभी टॉर्चर नहीं किया है। सच बोलूं तो इसे डांटने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है ना बच्चों, है ना? हाँ, हाँ। हाँ, ये छोटे बच्चे हैं सर, इन्हें उपदेश है ना, कोई बुरी बात नहीं है ना। कैसा उपदेश? आत्महत्या के लिए उकसाया है। सेक्शन 306, इफ ए पर्सन कमिट सुसाइड एंड हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड अप टू 10 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। सॉरी सर। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक अदर केसेस, जेल में रहोगे। कहीं इसने आत्महत्या की होती तो फंस गए होते, किस्मत अच्छी है कि बच गए। तुम्हें खुशी मिली ना, संतुष्ट हुए ना? देखो बच्चों, मैंने गुस्से में आकर कुछ भी नहीं बोला, बल्कि प्रेम से बोला तुम्हारी भलाई के लिए, और कल तुम सब लोग खुशी खुशी क्लास में जाना, समझे? ना बात। तो सस्पेंशन लेटर कभी का फाड़ दिया उसे मैंने। ओ, तो फिर अब मैं जाऊं? सर, स्टूडेंट्स की इस तरह की छोटी मोटी गलतियों को समझकर उनकी की हुई भूलों को माफ करने का एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, और वो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए? समझ गए सर। आज से मैं एक अच्छा टीचर बनकर दिखाऊंगा। ऐसा हुआ तो बहुत खूब। ठीक है, आप जाइए। अच्छा फिर साहब, हम लोग भी। कांता ने बोला कि तुमसे छोटी सी भूल हो गई थी, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सेक्शन 67 और 293 भूलना मत। नहीं सर, नहीं, आज ही अपना मोबाइल फोन मैं बेच दूंगा। ओके सर। जाओ। स्टेशन जाने से पहले रोशन का हाल बहुत ही बुरा था, अब देखो कैसे हंस रहा है। कुछ मत कहो भैया, टेंशन के मारे जान निकल रही थी। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम लोग थे इसलिए मामला रफा दफा हो गया। ए गेंडे, गाड़ी से फेंक दूंगा, चुप कर तू, ये नहीं होती तो मर जाते। हे कांता, वी आर वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। क्या ये लव लेटर? अरे प्रिंसी को लव लेटर देके ट्यून कर रहे हो? छी, ये मैं नहीं दे रहा हूँ। 7B के केसी राहुल ने 6B के गायत्री को दिया है। वेरी बैड बिहेवियर सर, उसे सस्पेंड करना ही पड़ेगा। सुन शिवू, ये कोई गलत काम है क्या? बोलो है क्या? हाँ। स्कूल में पढ़ने के टाइम आपने किसी लड़की से प्यार नहीं किया? किया ना? दो लड़कियों से। लव लेटर भी उसे दिया होगा? हाँ, कोई सीमा नहीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों?
क्योंकि अक्सर लड़कियां ही मुझ पर फिदा होती थी सर। ये मुंह और मसूर की दाल। जरा यहाँ तो। ये सर, स्टूडेंट्स के इस तरह की छोटी सी मृदुल भावनाओं को समझकर और उनकी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करने का एक विशाल मन होना चाहिए एक अध्यापक के अंदर, है ना? न कि खाम खा डांट फटकार के उन्हें टॉर्चर करना। अरे निष्कलंक बच्चे हैं। यहाँ ये हा? सर, इन बच्चों से किस तरह प्रेम से पेश आना चाहिए उस बारे में आप तुरंत इस महाशय की क्लास लेंगे, समझ गए? जी सर। थैंक यू। वेलकम सर। आगे से इस प्रकार के सिली मैटर्स यहाँ लेकर आए तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बच्चे धूप में खड़े होंगे। हे इधर लाओ ना, खा लेना। भैया ये बासी तो नहीं? चुप कर यार। बासी? हाँ यहाँ। हाँ मेरे होते हुए यार तू खाना। वो तो ठीक है, टेंशन से मुक्त हो गए तो मजा आ रहा है ना? और क्या, फुल हैप्पी हूँ। फुल हैप्पी तो नहीं हूँ, फुल हैप्पी होने के लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। कौन सी प्रॉब्लम? इसकी और प्रिया की। अरे यार वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यार, इस तरह उसके आगे पीछे डोल के मर्दों का नाम मत खराब करो। अरे इन बुआओं को कोई भी ऊपर नीचे कर सकता है, ये देख। That's all. देख अब से मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, उसे आने दो। वो नहीं आएगी। आएगी वो तुम्हारे पीछे, तुम हिला के आएगी, ऐसे हिला के आएगी वो। वो कैसे? प्यार करोगे तुम, किसी और से प्यार करोगे। अगर उसे पता चला कोई और लड़की तुमसे प्यार करती है, दौड़े चली आएगी तुम्हारे पास। लेकिन इससे कौन प्यार करेगा? तू करेगी। कौन, मैं? यस तू ही करेगी। इससे प्यार करने की एक्टिंग करोगी तुम, और तुम भी करोगे। जब उसे पता चलेगा तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, वो जरूर फील करेगी और वो कभी सह नहीं पाएगी, यू नो। ये सब वर्कआउट होगा क्या? वर्कआउट जरूर होगा, ये तेरी नहीं मेरी ट्रिक है। अच्छा फिर इस ट्रिक के सहारे तूने कितनों को फंसाया? देखा नहीं? देखा नहीं? नहीं। तूने इसके डैडी को देखा है? नहीं तो इसका डैडी हो तब ना। डैड पे जाओगे तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे यार मैं एग्जांपल दे रहा था। अब सुनो कांता, तुम इससे प्यार करोगी? अरे देख एक दूसरे को प्यार से देख, तभी तो प्यार आएगा। यार इसकी शक्ल देखकर मुझे प्यार नहीं आएगा। क्या हुआ मेरी शक्ल को? ठीक नहीं होगा यार, ये रोमांस मुझसे नहीं होता। अरे रोमांस मत करना, सिर्फ एक्टिंग करना। फिल्मों की तरह प्यार की एक्टिंग करो ना, ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अरे हिम्मत से आगे बढ़कर लव करो, इस मच्छर का आइडिया है, जरूर वर्कआउट होगा। अरे दीपिका पादुकोण एक्टिंग करती है ना, उसी तरह तुम भी करो। अरे प्यार करो, रोमांस करो, एक दूसरे को देखो। हाँ प्यार के फूल खिले। दिल में प्यार किया है मैंने एक दीवानी से, उसके मोह से मौसम बदले, कैसा है ये खुमार मुझे। तू मुझ में खो जाए मैं तुझ में खो जाऊं, प्यार के फूलों का है ये मधु। तू एक फूल तो मैं भी एक भौरा हूँ, प्रेम का गुंजन करने दे मुझे। दिल ही दिल में प्यार किया है मैंने एक दीवानी से, उसके मोह से मौसम बदले, कैसा है ये खुमार मुझे। गाल गुलाबी तेरे देखो लाज से हुए हैं लाल, सीने से लग जा मेरे मेरी जान, दुनिया भुला दूंगा मैं। मौसम बदलता है तो फिर आती है पसंद ऋतु, मिल जाए दिल से यू दिल, दूर तक तू आए मोहे नजर। तेरे बिन अब जीना कैसा, कहता होले से ये दिल। अब हम दोनों ना बिछड़ेंगे, हम हैं एक जान जाने मन। दिल ही दिल में प्यार किया है मैंने एक दीवानी से, उसके मोह से मौसम बदले, कैसा है ये खुमार मुझे। तू मुझ में खो जाए मैं तुझ में खो जाऊं, प्यार के फूलों का है ये मधु। तू एक फूल
फूल तो मैं भी एक भौरा हूँ, प्रेम का गुंजन करने दे मुझे। दिल ही दिल में प्यार किया है मैंने एक दीवानी से, उसके मोह से मौसम बदले कैसा है ये खुमार मुझे। यार सच बताऊं, तुम्हारे साथ बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। यहाँ भी वही हाल है, पूरा वक्त तुमसे बात करने का मन करता है। थैंक यू। अच्छा कल क्या प्रोग्राम है? कल रोशन मिस क्लोज हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी। हाँ अभी आया। हाँ कांता, मिस क्लोज होने का टाइम हो गया है, कल मिले। ठीक है, गुड नाइट, बाय। रोशन जरा आओ ना यार, प्लान वर्कआउट हो गया है, ज्यादा भाव मत खाना, जाओ जाओ। जानती हूँ कि मुझे जलाने के लिए तुम कांता के साथ चिपके हुए हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। जानती हूँ मैं, वो सब एक्टिंग थी और तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही बोरिंग थी। कांता फिर भी कुछ ठीक थी, तुमसे चिपक कर मौके का फायदा उठा रही थी। इससे तुम्हें क्या है? ये मुझे पसंद नहीं है, किसी को तुम्हारे साथ क्लोज नहीं देखना चाहती। सब लोग तुम्हें गलत शलत बोल रहे थे, इसलिए गुस्से में आकर मैंने न जाने क्या क्या बोल दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। सॉरी। सॉरी दिल से नहीं बोल रही हो, तुम्हारे करतूतों के कारण ही ये सब हुआ। दिल से सॉरी बोल दिया ना, तुम्हारे लिए यही सॉरी काफी है। अच्छा ओके। ओके नहीं है। अब क्या हुआ? रोशन आगे से तुम कभी इस तरह की गंदी वीडियो नहीं देखोगे। अगर देखने का मन हुआ तो। हुआ तो? तेरी आंखों को फोड़ डालूंगी मैं, चल फुट। माँ क्यों बुला रही है? माँ काफी देर से खाने के लिए बुला रही है, तुमने खा लिया? नहीं खाना है। और सुना, जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो तुमने मुझे मिस किया ना? दरअसल उस बारे में नहीं सोचा। ओ, फुल टाइम उसके साथ जो थे फिर कैसे मिस करोगे? बोलो आगे क्या? काफी देर से कुछ ना कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें कुछ पूछना नहीं है? तुमने खा लिया? कहा ना मैंने तुमसे खाना है मुझे। ओ सॉरी भूल गया, और बताओ। बड़ा आया भूलने वाला, भाग भुलक्कड़। लगता है तुमसे सॉरी बोलकर मैंने बड़ी गलती की है। इसमें मेरी क्या गलती है? फोन करती हो तो ठीक से बात क्यों नहीं करते? फुल टाइम लार टपकाता रहूं क्या? फुल टाइम कभी लार टपकाते थे ना तुम, अब क्या हुआ तुम्हें? ओ प्लीज क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? क्यों मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, तुम ही मुझे बार बार गुस्सा दिला रहे हो। अरे वाह, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे बिग बॉस के कलाकार बैठे हुए हैं। तुम लोग के प्यार का भविष्य कैसा होगा मैं बता देता हूं। ए मेरे भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी के शेर, मेरी रक्षा करना। F L A
क्या, ये तो फ्लेम है। हा? इन सब में मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। उल्लू बनाई, रोशन और उसके बाद प्रिया, 4 × 8, 8 × 3 = 24। यम 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 फॉर मसाज। मसाज नहीं फुद्दू, मैरिज। ओह इज इट, मतलब ये सब सच है ना? हाँ। क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं है तो फिर ठीक है। देखो इस नीडल से चुभाएंगे तो दर्द होगा क्या? अरे यार तुम्हें डर लग रहा है ना? ए, मुझे डर वर नहीं है। फिर थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा है। सुनो, नीडल चुभने से डरने वाला, ब्लड देकर चकराने वाला ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना यहाँ? मुझ जैसे योद्धा से बोल रही है ये। क्या हुआ यार, सुनाई दे रहा है ना, फोन की घंटी बज रही है। अरे वो प्रिया है। प्रिया है? आम तौर पे उसके फोन की घंटी बजते हुए झट से उठ के तुम फोन रिसीव करते हो, आज क्या हुआ? यार मूड कुछ ठीक नहीं है, बेकार की बातें करके गुस्सा दिलाने के लिए फोन करती है। ए, ऐसी कोई बात नहीं होगी, असली बात क्या है बताओ ना। क्या है? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, बताओ। क्या बताऊँ, उसके करता धरता सब तुम ही हो। हाँ? मैं? हाँ, तुम्हारे कहने पर ही प्रिया को जलाने के लिए मैंने और कांता ने प्यार की एक्टिंग की थी। आगे कहो। लगता है कि सचमुच मैं उसे चाहने लगा हूँ। चाहत मतलब? लव हुआ। लव हुआ? हाँ, और जब इसका खुलासा करने ही वाला था मैं, तभी वो प्रिया सॉरी बोल के रिटर्न आ गई। अरे बच गया तू, कहीं कांता से जाकर बोलता तो इस पार्ट पर ही तेरी वाट लगाती। क्या बोल रहे? हाँ भाई, उसे अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए मैंने तुमको बोला। लव की फीलिंग वीलिंग कुछ भी नहीं है उसमें, स्पेशली तेरे लिए। वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती आई है यार, बेवजह फ्रेंडशिप को क्यों तोड़ रहे हो? रियली? हाँ जानता हूँ मैं। अच्छा तो फिर ये बात किसी को मत बताना। मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, यहाँ नाम मात्र के लिए भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सारी उम्मीद की किरण अगले हफ्ते की फ्रेशर्स डे ही है। हे ईश्वर, अगले फ्रेशर्स डे के दिन फ्रेश कन्या देना मुझे। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemical cells are devices that convert chemical energy of some sort of relaxation to electrical energy. बापरे, this is where it happens. ये दिखने में बहुत ही interesting है, लेकिन पढ़ने में उतनी ही मुश्किल है। यही है इसकी खासियत। रोशन, ये क्या हो रहा है? ये सब interval में नहीं कर सकते? ये गणित मास्टर का पीरियड नहीं है, समझ लो। Yes, of course. वैसे भी इसका फुल टाइम ध्यान इस पर है सर। तू भी देख रहा था। किसी एक पे फोकस करना, तब जाके 4-5 साल के बाद तुझे कोई ना कोई मिलेगी, समझा? सर जी, जब बोर होने लगा तो देख लिया होगा मैंने। सर मतलब ये बोल रहा है कि आपकी क्लास बोरिंग है? ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तुम्हारी बोरिंग अभी ठीक कर देता हूँ। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? आंसर मी। देखो मार्वलस, नकल करके भी तू एग्जाम लिखेगा ना तो भी पास नहीं होगा। खैर फीस देते हो, बैठ जाओ। थैंक यू सर। ये मरवा देगा। मेरे लिए भी ड्रॉ करो ना। अरे रोशन तुम अपना काम करो, मेरे सर पे बहुत लोड है, मुझे मेरे रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं। रोशन प्लीज डोंट प्ले। सारे के सारे नमूने आ गए। ओ रोशन का रिकॉर्ड है ना। अगर गर्लफ्रेंड होती तो यही फायदा है, हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे नसीब में सब कहाँ। हाँ नसीब अच्छा है इसका। Human reproductive system. यार, आज मैं डाउट पूछ के हिला के रखूंगा। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। हाँ। और आप लोग इसे खुद पढ़ सकते। हाँ। हो सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हाँ?
नेक्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन। इस चित्र को आप सभी ने देखा होगा है ना? मिस, एक डाउट है। क्या डाउट है, जरा सुनो तो। कुछ दिनों से वो डाउट मेरे दिल में है मिस। शुरू हो गया। यही कि एक आदमी के पीछे इतने सारे बंदर क्यों जा रहे हैं मिस? साइलेंस। अरे शर्म कर, इस तरह पागलों की तरह बातें करने के लिए क्लास में आते हो? कल के एनएसएस कैंप को तुम लीड करोगे, ओके? थैंक यू मिस। बैठ जाओ। फंस गया। गाला मरना छोड़ो और ठीक से काम करो। ये जो स्वच्छ अभियान है ना, इसका इंचार्ज मैं हूँ। हाँ बाप रे, तुम्हें और कोई काम नहीं है? क्या देख रहे हो? यार उन पर्वतों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। फिर नहीं हाँ। तो उस पर्वत को देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ। वहाँ पर एक द्वार देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। यार वही मल द्वार है। हाँ। ये क्या? मैथ्यू, हमारे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं ना? यस। स्नेहा मिस कहाँ गई होगी? तू कहाँ जा रहा है बदन में कीचड़ लगा के? ये तो स्नेहा मिस को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ओ। ताकि मिस को पता चले मैं भी हार्ड वर्क करूँ। बहुत खूब। फर्स्ट ईयर से ही चक्कर चल रहा है। देख के करो। हाँ। हाय हाय हाय, जरा वो देना। ये हमारा काम है, हम सीनियर्स के होते हुए तुम लोग से काम कराना अच्छा नहीं है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है? प्लीज मूव, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। ओके तो मैं खोदता हूँ। खोदो ढंग से। मुझे तो ये सब सिंपल लगता है। मुझे भी, काम करके थक गया। ये क्या गप्पे मार के खड़ी हो? सीनियर्स ने बोला हम करेंगे। तुम लोग उस प्लास्टिक की बोतल को हटाने में मदद करो। ठीक है मिस। अरे रे रे, कहाँ जा रहे हो तुम? बोतल बीनने। बोतल बीनना छोड़ के यहाँ गड्ढा खोदो तुम। मिस हाँ? क्यों ना हम दोनों मिलके आज यहाँ एक पौधा रोपते हैं। आजकल तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम साथ दो, चर्बी घट जाएगी। सबको चकमा देके उड़कर यहाँ पहुँच गई ना? यार यहाँ से देखती हूँ तो बहुत फील कर रही हूँ। उतनी फील है क्या? सच कहूँ तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। आई सी। जरा देखो वहाँ, ये अपने आप को टाइटैनिक का हीरो समझता है। ये दोनों वो सारी हदें पार कर चुके हैं। तुम जिनी होगा। वहाँ देखो लव बर्ड्स। अच्छा। थैंक्स। थैंक्स सब रहने दो, पहले माल निकालो। तो फिर मिलेंगे। हाँ है? तुमने उसे चॉकलेट क्यों दी? रिकॉर्ड बना के दिया इसलिए। किस लिए? कांता से रिकॉर्ड बनवाया तूने? मैंने तुमसे पूछा तो तुमने मना कर दिया, और वो तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं है, उसने बना के दे दिया। एग्जाम के दिन वो आके रिकॉर्ड नहीं बनाएगी। आगे से तुम्हारा रिकॉर्ड तुम खुद बनाओ। तुमने प्रिया को क्यों मारा? वो पागल है, तुम्हारे बनाए रिकॉर्ड्स को मिटा रही थी। तो मारना जरूरी है, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे इरिटेट करके उसने वो थप्पड़ खाया। यार जाके सॉरी बोल देना, देख टूर भी आने वाला है, खामखा उसे दुखी मत करे। मैं सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगा, बात यहाँ खत्म। भाड़ में गया उसका लव शव, पता नहीं कहाँ से आती है शांति भंग करने के लिए। रोशन, अगर कुछ पूछूं तो तुम सच बताओगे? क्या बात है? कांता तुम्हें पसंद है क्या? ओ, तो तुम्हें वो पसंद है और उसे तुम? नहीं जानता मैं। लेकिन मैं जानती हूँ, वो तुम्हें पसंद करती है।
और पसंद है तो खुलकर बोलना चाहिए, दिल में रखने से क्या फायदा है बताओ। रोशन, तुम्हारे लिए वही सही लड़की है। मैं खामा खा पॉजिटिव होकर तुमसे लड़ती रहूंगी, ये मेरी सेल्फिशनेस नहीं है, एक्सट्रीम लव का आउटकम है। मगर ऐसा करना अगर तुम्हें डिस्टर्बेंस लगता है तो आगे से कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। प्रिया सॉरी यार। हे, नो नीड ऑफ सॉरी। I will miss you, Roshan. बेटी वो फोन रख के पहले खाना खाओ। डैडी मुझे भूख नहीं है। परसों ही तुम स्कूल टूर पे जा रही हो ना? इस तरह मूड क्यों ऑफ है? वो ये है कि एग्जाम करीब है ना, इसलिए मुझे टेंशन है। बहुत खूब बेटी, ये जो स्कूल टूर वगैरह है ना, लाइफ में सबको नहीं मिलता है। देखो ऐसी बातों को सोचकर तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? वैसे एग्जाम्स तो होते ही रहेंगे बेटी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तुम टूर पे जाओ, एंजॉय करो, ऐश करो। ओके तेरे।
मुश्किल है दामन छुड़ाना सनम। अरे तू ही रे, हाँ तू ही रे, हर सांस में मेरे। अरे तू ही रे, हाँ तू ही रे, दिन रात में मेरे। अरे तू ही रे, हाँ तू ही रे, हर सांस। परीक्षा खत्म हुई तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, फिर इस कंपाउंड में आऊंगा भी नहीं। अरे पागल, ये तो क्या बोल रहा है, तूने स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं किया क्या? अरे यार, स्कूल लाइफ का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, हमारे जाने के बाद भी यारी नहीं टूटेगी। बेकार की बातें करना छोड़ो और कुछ खाते हैं। रोशन, तू क्या सोच रहा है, कल के एग्जाम की फिक्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या, प्रिया को मिस कर रहे हो? चाहत है वो मेरी। प्रिया को चाहते हो ना? नहीं, कांता को। उस दिन प्रिया को जलाने के लिए इसने कांता के साथ क्लोज एक्टिंग की ना, तब से इसके दिल में कांता के लिए प्रेम के फूल जो खिल गए हैं। यार सचमुच? ट्रू लव क्या है अब जाके समझा। प्रिया के साथ तो बस इन्फेक्चुएशन था। अगर इतनी पसंद है तो तूने अपनी दिल की बात क्यों नहीं कही? वो भी मेरी वजह से ही। अगर वो इसे फ्रेंड की हैसियत से देखती है और इनकी फ्रेंडशिप में दरार ना आए, इसलिए ऐसा मैंने बोला। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो भी इसे चाहती है। यार जब भी तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज रहते थे तब भी मुझे ऐसा लगा, मगर कहीं मेरी बात से तुम नाराज ना हो इसलिए मैंने नहीं कहा। यही शक तो मुझे भी था। मतलब कल जाके उसे बोल दूं क्या? बोलोगे तुम? कल एग्जाम के बाद तुम उसे उसकी पसंदीदा जगह पर लेके जाओ और प्रपोज कर दो। अच्छा याद करो, ऐसी कोई जगह है उसके पसंद की? वैसी जगह? हाँ, उस दिन वो कैंप गए थे ना हम लोग। हाँ हाँ, चपरा, वही उसकी पसंदीदा जगह है। है ना, तो वहीं पर उसे प्रपोज करना, राइट? मगर मैं क्या बोल के ले जाऊं उसे? यार वो हम पे छोड़ दो, हम पूरी सेटिंग करके देंगे। ओके, मामला तो हमने सेट कर दिया है। एग्जाम के बाद उसने भी छापरा आने के लिए हाँ कर दिया है। ओ रियली? हाँ यार, अब तू जाके उसे प्रपोज कर देना बस। अच्छा यार, उसे कैसे प्रपोज करने वाले हो तुम? कुछ नहीं मिलने वाला, पापा के पास पैसा है तो विदेश जाकर MBBS करूंगी। विदेश जा रही हो? आहा, बाल बाल बच गया मैं, अब 3-4 साल तुझे नहीं झेलना पड़ेगा। कौचू। मैं तो मजाक कर रहा था, जब कभी तुम नजर नहीं आती हो तब मिस करता हूँ तुम्हें। सचमुच? सचमुच। याद है हम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? पहली बार फ्रेशर्स डे के दिन सीनियर्स से मैंने तुझे बचाया था, याद है? सिर्फ उस दिन ही नहीं, जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो तुमने ही मेरी हेल्प की थी। फिर हेल्प नहीं करूंगी तो? रोशन, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो Ah!
दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रोशन चलो भागते। कहाँ जा रहे हो? हैं? चिकनी अपन ना बोला ना तो अपन का बंदोबस्त है। तू इसके साथ लुका छुपी खेल रहा है? मुझे भी खेलने दे। भाई प्लीज भाई, हम यहाँ पे बात करने आए हैं। यहाँ बात करने के लिए बहुत लोग आते हैं पर वापस नहीं जाते।